दोस्तों, बराबरी की लड़ाई तो सदियों से चली आ रही है। आज ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जिन्हें समाज किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर कहता है। ऐसी ही एक ट्रांसजेंडर ने बराबरी की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। ये ट्रांसजेंडर बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसे हमेशा से ही समाज में बराबरी चाहिए था, लेकिन गरीबी इनके पैरों की बेड़ियां बनी रही। पढ़ना चाहा मगर पांचवीं के बाद पढ़ नहीं पाई। पेट पालने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगा, लेकिन हाँ, इन्होंने कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया। इन्हें फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसीलिए मेहनत की, पैसे जमा की और एक कैमरा खरीदा। अब भैया, कैमरा तो आ गया लेकिन काम नहीं था। इसी बीच इन्हें एक शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया। इस शॉर्ट फिल्म के बाद इन्हें एक लोकल न्यूज चैनल में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान इस ट्रांसजेंडर की कई तस्वीरों को बेहद पसंद किया गया। दोस्तों, इस ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट का नाम है जोया थॉमस लोबो। जोया भारत की पहली ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट है। जोया के संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में।